दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, द परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ 100 केवीए 11 किलो वोल्ट स्लैश 400 डेल्टा वाई 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 4.5%। ओके, दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, दिया हुआ है उसकी रेटिंग्स दी हुई है। प्राइमरी प्राइमरी साइड जो है हाई वोल्टेज साइड पे है, सेकेंडरी जो है लो वोल्टेज साइड पे। ठीक, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 100 केवीए का। उसका जो परसेंटेज इंपीडेंस दिया हुआ है 4.5%, मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका मतलब पर कह सकते हैं पर यूनिट इसका कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 0.045 पर यूनिट। ओके, तो पर यूनिट में हमें इंपीडेंस दिया हुआ है, और जो इंपीडेंस होता है वो पर फेज होता है कि नहीं। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, तो इंपीडेंस जो होता है, जो भी गिवन होता है, वो पर फेज होता है। ठीक, बोल रहा है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ हाफ द फुल लोड करंट ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट विथ लो वोल्टेज टर्मिनल शॉर्टेड द अप्लाइड वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड विल बी। दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हम उसने क्या किया है, लो वोल्टेज साइड मतलब सेकेंडरी को उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया है कि नहीं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग सेकेंडरी को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, तो उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब पूछ रहा है कि अगर हमें हाफ द रेटेड वैल्यू मतलब हाफ द फुल लोड करंट फ्लो कराने के लिए हमें प्राइमरी साइड पे मतलब हाई वोल्टेज साइड पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, हमें हमें वोल्टेज कौन सा निकालना है, हाई वोल्टेज साइड पे निकालना है कि नहीं। हाई वोल्टेज साइड का पर फेज वैल्यू कितना है, पर फेज वैल्यू क्या होगा, ये देखिए डेल्टा है। ओके, डेल्टा वाई, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कौन सा है, डेल्टा स्टार। ओके, डेल्टा वाई। ओके, ये तो प्राइमरी साइड पे मतलब हाई वोल्टेज साइड पे पर बेस वैल्यू क्या है, हाई वोल्टेज साइड पे बेस वैल्यू 11 वोल्टेज कितना है, ये पर फेज और लाइन वोल्टेज सेम होंगे क्योंकि डेल्टा में पर फेज और फेज वैल्यू और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं। ओके, तो वी फेज इज कितना हो गया 11 किलो वोल्ट। ओके, पावर कितना है, अपेरेंट पावर कितना हुआ दिया हुआ है 100 केवीए। ओके, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, हमें इंपीडेंस दे के रखा हुआ है। ओके ओके, इंपीडेंस कितना दिया हुआ है हमें, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब 0.0 100 से डिवाइड कर दिया, ये पर यूनिट में हमें परसेंट वो इंपीडेंस दिया हुआ है। ओके, अब क्या हुआ है, जो सेकेंडरी टर्मिनल है उसको क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। ओके, मतलब ये देखिए इसको उसने शॉर्ट कर दिया, मतलब यहां पे आउट ये वोल्टेज जो है टर्मिनल का जीरो हो गया। ओके, यहां पे शॉर्ट कर दिया, तो हमें पूछ रहा है कि हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तो लेट से वी वोल्ट। ओके, वी वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसको अप्लाई ये, और हमें कितना करंट फ्लो कराने के लिए, आई इज इक्वल्स टू हाफ द रेटेड वैल्यू यानी 0.5 पर यूनिट है कि नहीं। हम सारा कैलकुलेशन जो है पर यूनिट में कर रहे हैं। ओके, करंट कितना फ्लो कराना है, 0.5 पर यूनिट फ्लो कराने के लिए। अब वोल्टेज कितना हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अब कितना सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए क्या इक्वेशन बनेगा यहां, वी वोल्ट हमने अप्लाई किया है तो वी बाई इंपीडेंस कितना है 0.045। ओके, ये कितना आएगा 0.5 पर यूनिट। ओके, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू 0.045। ओके, ये किसमें है, ये वोल्टेज किसमें आया हुआ है, पर यूनिट में आया हुआ है। ठीक, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 0.045, ये हमारा आ गया 0.0225 पर यूनिट। ये क्या हमारा वोल्टेज आ गया, ये पर यूनिट में है। हमें बोला हाई वोल्टेज साइड पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, हमें आंसर किसमें दिया हुआ है, वोल्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग हाई वोल्टेज साइड के बेस वोल्टेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाई वोल्टेज साइड का बेस वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 11 किलो वोल्ट। ओके, उसके साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे है कि नहीं, क्योंकि पर यूनिट को हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा वोल्टेज, हमारा वोल्ट में 0.0225 इंटू 11 किलो वोल्ट इंटू 11,000 वोल्ट, ये हमारा कितना आ गया इंटू 11, ये हमारा आ गया 247.5 वोल्ट। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके, चलिए, थैंक यू।